चलू देख ना सकू अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा, एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा तू जैसा। वाओ, अभी मेरी माँ भी कलरफुल ड्रेस पहनेगी। कितने बार मैं माँ से कह चुका हूँ पर वो सुनते ही नहीं। इतने बोरिंग सी साड़ी पहनती है। आई प्रॉमिस आज के बाद कभी नहीं पहनेंगी। रणबीर, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। रणबीर, रणवीर ये सब क्या हो रहा है? आज के बाद तुम ये बेरंग साड़ियां कभी नहीं पहनोगी। बिल्कुल ठीक किया रणवीर जी ने। अब जब भाभी साहब की भी हमारे साथ एक ही मंडप में शादी होने वाली है तो फिर भाभी साहब भी तो हमारे जैसे कपड़े पहनेंगी, तो इन बेरंग साड़ियों का क्या काम है ना माता? पर ले जे। और वैसे भी आज रणवीर जी भाभी साहब को रिंग पहना के हमेशा के लिए टुगेदर रहने के लिए वादा भी करने वाले, तो है ना देवर जी? बिल्कुल, आज के बाद आपकी सुमन भाभी की जिंदगी में सिर्फ खुशियों के रंग होंगे। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। आई लाइक इट। ओह गॉड, जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर,
मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ। वो उसका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।